मैं जो कुछ भी करता हूं अपने घर परिवार के लिए करता हूं ना, और शांति समझती नहीं है। अब जो पैसे पे जो कमाता हूं, अगर वो मेरे घर परिवार के काम ना आए तो क्या फायदा इस कमाई का? कोई है? एक बात बताओ, तुम्हारी सारी समस्या इस काम की वजह से ही है ना, तो ये काम ही छोड़ दो। ए! कैसी बात कर रहे थे? तेरी हिम्मत कैसे ऐसी बात करने की? गुस्सा क्यों रहे हो मुझ पे? मैं तो तुम्हारी ही छवि हूँ, वही कहता हूँ जो तुम सोचते हो। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वैसे भी बात हमेशा सही कहते हो तुम। रुक क्यों गए सब? क्यों रुक गए साईं? कोई मदद के लिए पुकार रहा है केशव। साईं, हमें तो किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कहीं उन्हें भनक तो नहीं लग गई मेरे यहां छुपे होने की? इसे बाहर निकालना होगा। किसे बाहर निकालने की बात कर रहा है फकीर?
ये तो केचवा है साईं। सही पहचाना, यही मदद मांग रहा था। जब तक मिट्टी गीली थी इसमें पानी का अंश था, ये इस पत्थर के नीचे सुरक्षित था। लेकिन अब मिट्टी सूख चुकी है, इसीलिए ये बाहर आना चाहता था और मदद के लिए पुकार रहा था। आपको तो उनकी भी फिक्र है साई, जिनकी आवाज किसी तक पहुंचती नहीं। तात्या, सबकी चिंता फिक्र करने वाला तो एक ही है, सबका मालिक। मैं तो बस उस मालिक की इच्छा पूर्ति करने का माध्यम मात्र हूं। तो है साईं, पर ये बताइए, जब मिट्टी सूख चुकी थी तब भी ये पत्थर के नीचे दबकर जिंदा कैसे रहा आप तक? बिल्कुल वैसे ही जैसे बुराई के अंदर दबकर अच्छाई रहती है। कई सालों तक, जब तक उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जाता। और जब कोई सच्चाई को बाहर लाने के लिए मदद का हाथ दे तो उसे पकड़कर ऊपर आना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी अल्लाह मालिक। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। लगता है वो इंसान मुसीबत में है। क्या हुआ इसे? साई बाबा, ना कोई चोट का निशान है ना कोई जख्म है, क्या हुआ है साई? कहीं कोई दौरा तो नहीं पड़ गया इन्हें? जो भी हुआ हो साई, अब आप ही इन्हें बचाइए, कुछ कीजिए साई। मेरे पास उदी है साई, भीमा ये लो। सबूरी तात्या, इन्हें उदी की जरूरत नहीं है, केवल क्षमा ही इन्हें ठीक कर सकती है।
कृपा करके बाहर आ जाओ, तुम्हारी मदद चाहिए। कृपा करके मदद करो मेरी। मुझे पता है इन्हें डसने के पीछे एक कारण है और वो कारण पूरी तरह से जायज है, लेकिन वो एक दुर्घटना थी। कृपा करके इन्हें क्षमा कर दो। एक तुम ही हो जो इनके शरीर में फैल रहे विष को उतार के इनके प्राणों की रक्षा कर सकती हो। ये तो वापस जा रहा है। साईं, कोई और तरीका होगा आपके पास इन्हें बचाने के लिए? अगर समय रहते इन्हें उपचार नहीं मिला तो शायद इनका जीवित रहना मुश्किल है। साईं, इलाज सिर्फ उस नागिन के पास है। लेकिन उसने तो आपकी बात मानी नहीं साईं, वो तो चली गई। बहुत ही खतरनाक लगती है वो। कोई भी जीव खतरनाक नहीं होता है, परिस्थितियां उसे खतरनाक बना देती हैं। ये तो इस नागिन का बच्चा लगता है। इसे किसने अधमरा कर दिया? उस बुजुर्ग ने। गलती से उनका पैर इस पर पड़ गया और अपने बच्चे की हालत देख इस मां ने उनसे बदला ले लिया, उन्हें डस कर। साई, मैं अब इस नागिन को दोष नहीं दूंगा। कोई भी माँ अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने पहले तुम्हें गलत समझा, उसी तरह तुम भी उस इंसान को गलत समझ रही हो। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे बच्चे को नहीं कुचला। जल्दबाजी में उन्होंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा और अनजाने में उन्होंने इस पर पैर रख दिया। जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचकर गोपीचंद के घर जाना है। शाम होने वाली है, कहीं वो खूंखार डाकू आ गया तो मुसीबत हो जाएगी।
बदला और डर दोनों ही सोचने समझने की शक्ति को छीन लेते हैं। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती सुधारने का मौका बहुत कम को मिलता है। रामजी तुम्हें वो मौका दे रहे हैं। अनजाने में हुई भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो उन्हें। अपना गुस्सा त्याग दो और कृपा करके उनकी मदद करो। जान बचाने वाला मैं नहीं, ये नागिन है। सांप तो वही है, पर ये सांप कैसे किसी की जान बचा सकता है साईं? आप इतनी जल्दबाजी में थे कि आपने ये नहीं देखा कि आप किसी जीव को कुचल कर जा रहे हैं। बेख्याली में आपने इसके नवजात बच्चे पर पैर रखा और आगे बढ़ गए, जिसके कारण वो बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इसकी जान बचाई जा सके? राम जी को सबकी चिंता है। इस नागिन ने अपना क्रोध त्याग कर आपको बचाया है। अब आपकी मदद से इसके बच्चे का उद्धार होगा। आपके पास गंगाजल है ना? साई, आपको तो सब पता है। हरिद्वार से तीर्थ करके लौटे अपने रिश्तेदारों से मिलकर मैं अपने जब घर लौट रहा था तो उन्होंने मुझे गंगाजल दिया था। ये रहा,
सावधानी से रहना और अपना ख्याल रखना। समझ में नहीं आ रहा है साईं कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरी जान बचाकर मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.